लास्ट वीडियो में आप सबने देखा कि मैं किस तरह वैम्पायर वाइटी को ढूंढ रहा था। भाई बहुत ही ज्यादा टेंशन है कि कहाँ चला गया वो, और रोड पे बहुत ज्यादा शोर है इसलिए मुझे चिल्लाना पड़ रहा है। अभी ये चल ही रहा था कि इन सब के बीच में मुझे एक और खबर मिलती है कि पाकिस्तान के एक और बड़े यूट्यूब क्रिएटर डकी भाई अपनी डक्स के साथ कहीं लापता है, और इसका मतलब अब मुझे वैम्पायर के साथ साथ डकी भाई को भी ढूंढना पड़ेगा। आपने देखा है इनको कहीं पे? ये घूम गए हैं, नहीं देखा? तो ये सब शुरू होता है पोस्टर्स को प्रिंट करवाने से। तो भाई उनको ढूंढने के लिए मैंने जो है वो प्रिंट करवाना शुरू कर दिया इन कागजों पर। यार पोस्टर दिखाओ ना कहाँ पर है, जल्दी ने प्रिंट करो यार। ये डकी भाई के पोस्टर बाहर आ रही है और देखते हैं कैसे। ओहो डकी भाई का मुंह देखो कितना रो रहे हैं बेचारे। यार तुम लोग देख सकते हो एलजी सैमुएल मेरा इंस्टाग्राम है, जाओ और इसको फॉलो करो, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। अब सीन ये है कि ये सारे पोस्टर मैं सारे शहर में लगाऊंगा, हर दीवार हर दरवाजे हर गली में लगाऊंगा। तो भाई यहाँ पे भी हमने पोस्टर लगा लिए, अभी तक हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग भी खड़े हैं, उनसे पूछते हैं भाई जान आपने देखा है इनको कहीं पे? आप भाग क्यों रहे हो यार, आपने देखा है इनको? हाँ देखा, क्यों नहीं देखा? कहाँ पर देखा है? इधर ही घूम रहे हैं ये लोग। अरे भाई इधर ही घूम रहे, इसका मतलब हम लोग बहुत ही ज्यादा नजदीक है। यार एक बार फिर हम लोग बाइक पे बैठ चुके हैं, तुम लोग देख सकते हो जगह जगह पे पोस्टर लगाएंगे, जब तक वो दोनों मिल नहीं जाते मैं छोड़ूंगा नहीं। अब ये है लेक और यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग ढूंढ सकते हैं डकी भाई को। वो सामने रही डक वो रही, और मुझे लगता है कि अगर डक वहाँ पर है तो डकी भाई भी होंगे। और इस जगह पोस्टर लगाने के बाद मैं सीधा चला गया डक से डकी भाई का पूछने वहाँ पर है, और मेरे ख्याल से डकी भाई भी पानी में कहीं होंगे। चलो भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम यहीं रहो, ऐसा ना तुम्हारे साथ मेरा कैमरा गिर जाए। लेकिन लड़कियों की तरह डक्स ने भी मुंह लगाना गवारा नहीं समझा और वहाँ से चलती बनी, लेकिन मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। कहाँ जा रहे हो, देखा है तुमने इसको कहीं पे देखा है? ओए डक ओए, इज्जत ही नहीं है यार, ये लोग भी चले गए, काश मुझे तैरना आता मैं भी तुम लोगों के साथ जाता। तो इतनी रुसवाई के बाद मैं वहाँ से चला गया, और वहाँ मुझे एक चाचा दिखा जिसको भी शायद मेरी तरह किसी लड़की ने धुतकार दिया हो जवानी में। चाचा ने भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा यार, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, स्टेशन है यहाँ पे, ट्रेन तो नहीं आती लेकिन लोग आते जाते रहते हैं। तो भाई यहाँ पर भी मैंने ये पोस्टर लगा लिया है। डकी भाई कहाँ हो आप? डकी भाई, अरे डकी भाई वापस आ गए, ये तो मेरे पास ही है। बहुत ज्यादा गर्मी लगी है भाई, डकी भाई तो नहीं मिले लेकिन पानी मिल गया। और इतनी शदीद गर्मी में भी मैं लोगों से रोड पे जा जा के पूछ रहा था कि किसी ने देखा है डकी एंड डक्स को, किसी ने देखा है, देखा है, देखा है, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा, और लोग उल्टा मुझसे डर रहे थे। को नहीं देखा इसको, देखा है कहीं पे यार? शर्मा क्यों रहे हो यार? लाला भाई पीछे खड़े हैं, आपने देखा है भाई? भाग के यार, लोग भाग रहे हैं, डर रहे, कैमरा मैं चला रहा हूँ और लोग डर रहे हैं, देखा है? कबाड़ी पे बोरे आगे खड़ा है, चलो आगे चले। वो वहाँ पे पानी का कुआ है, वो भाई साहब अगर वहाँ पे गिर गए हो तो क्या पता। डकी भाई अबे आगे मत जा, आगे मत जा। नहीं है यार डकी भाई यहाँ पे, चलो यार छोड़ो। भाईजान इसको देखा है कहीं पे? नहीं देखा है तो नाराज हो गए यार, लोग नाराज क्यों हो रहे हैं यार, पहला बंदा देखा है शायद इन्होंने। डकी भाई कहाँ हुआ? अबे तू वीडियो बना रहे साले, यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहे। भाईजान इसको देखा है कहीं पे? नहीं देखा। अबे यार किसी ने नहीं देखा यार, क्या है यार ये, तो थक चुका हूँ। अबे जा यार तू जाके ढूंढ यार, कसम से अंकल से पूछना, अंकल आपने इसको कहीं पे देखा है? नहीं यार, नहीं देखा यार, अंकल ने भी नहीं देखा। अबे यार कहीं पे भी नहीं मिल रहे डोली डकी, डकी एंड डक्स। सिंह भाई क्या हुआ सिंह भाई? यार डकी भाई मिल नहीं रहे, और ऐसी हालत खराब हो चुकी है कि मैं एम्बुलेंस में आ चुका हूँ। भाई जान चलो यार, चलो यार। अबे तू कैमरा तो बंद कर, कैमरा बंद कर यार, कैमरा बंद। ये बचेगा गली के नाके पे, ये बचेगा तेरे इलाके में, ये बचता रहेगा जब पड़ेगा रेड और लोंडे डिफॉल्टर, भागेंगे हम उल्लू है रातें भी।